हेलो लर्नर, आज के इस वीडियो में पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3 देख रहे होंगे क्या क्या डिफरेंस है पाइथन 2 में और जब पाइथन 3 आया तो उसमें क्या चेंजेस हुई। अधिकांश प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब भी कोई नया वर्जन रिलीज होता है यह लैंग्वेज के मौजूदा वर्जन की सुविधाओं और सिंटेक्स का सपोर्ट करता है, इसलिए प्रोजेक्ट्स के लिए नए वर्जन में स्विच करना आसान होता है। हालांकि पाइथन के मामले में दो वर्जन पाइथन 2 और पाइथन 3 एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन 2 एक स्टेटमेंट के रूप में प्रिंट का उपयोग करता है और कंसोल पर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए विदाउट स्मॉल ब्रैकेट्स के प्रिंट के रूप में उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पाइथन 3 एक फंक्शन के रूप में प्रिंट का उपयोग करता है और कंसोल पर कुछ प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल या डबल कोट्स के रूप में उपयोग किया जाता है। यूजर्स के इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए पाइथन 2 फंक्शन रॉ इनपुट का उपयोग करता है। यह वैल्यू का प्रतिनिधित्व करने वाले स्ट्रिंग को लौटाता है जो यूजर्स द्वारा टाइप किया जाता है। इसे इंटीजर में बदलने के लिए हमें पाइथन में इंट फंक्शन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर पाइथन 3 इनपुट फंक्शन का उपयोग करता है जो यूजर्स द्वारा दर्ज किए गए इनपुट के टाइप की ऑटोमेटिक इंटरप्रेशन करता है। हालांकि हम इस वैल्यू को प्रिमिटिव फंक्शंस जैसे इंट, स्ट्रिंग आदि का उपयोग करके भी किसी भी टाइप में डाल सकते हैं। पाइथन 2 में इम्प्लिसिट स्ट्रिंग प्रकार ASCII है, जबकि पाइथन 3 में इम्प्लिसिट स्ट्रिंग टाइप यूनिकोड है। पाइथन 3 में पाइथन 2 का एक्स रेंज फंक्शन शामिल नहीं है। एक्स रेंज वेरिएंट है रेंज फंक्शन का जो एक एक्स रेंज ऑब्जेक्ट लौटाता है जो जावा इटरेटर के समान काम करता है। रेंज एक लिस्ट लौटाती है। उदाहरण के लिए फंक्शन अगर एक रेंज का बनाए 0 to 3 जिसमें वह 0, 1, 2 शामिल रहेगा। पाइथन 3 में एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक छोटा सा बदलाव भी किया गया है। यह एक कीवर्ड को डिफाइन करता है जिसका उपयोग करना आवश्यक है।